यरोमन अन्यंग अश्मिका, हेलो एवरीवन। दोस्तों, दो दिन बाद हमारे किमसक जिन ओप्पा अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं, और अपनी मिलिट्री सर्विस पर जाने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए कल हमारे किमसक जिन ओप्पा अपनी फेवरेट आइडल और फ्रेंड यानी तारा ग्रुप मेंबर जियोन की वेडिंग अटेंड करने गए, जो कि इस 2022 ईयर में केपॉप इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और वीआईपी वेडिंग्स में से एक है। और इस वेडिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि न सिर्फ इस वेडिंग को अदर केपॉप आइडल्स ने अटेंड किया, बल्कि हम सबकी फेवरेट स्टार आयु ने भी अटेंड किया। साथ ही उन्होंने अपनी एक एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस भी दी। तो मैं आपको इस वेडिंग के हर एक सरप्राइज के बारे में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे केपॉप की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपको इस वीआईपी केपॉप वेडिंग के बारे में जानने से पहले इस वेडिंग के होस्ट और न्यूली वेड कपल के बारे में भी जानना चाहिए। तो कल की ये वीआईपी वेडिंग तारा ग्रुप मेंबर जियोन और कोरियन बेसबॉल प्लेयर वांग जे ग्योंग की थी। तो हमारे जिन दोस्तों को तारा ग्रुप मेंबर पार्क जियोन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि जियोन ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में गर्ल्स केपॉप ग्रुप तारा से की थी। फोर मेंबर्स के ग्रुप को बेस्ट सेलिंग गर्ल ग्रुप कहा जाता है, और ये ग्रुप कोरिया में काफी पॉपुलर भी है। लेकिन सभी मेंबर्स ने 2014 में अलग होने का फैसला किया और अपना सोलो करियर स्टार्ट किया, जिसमें जियोन ने सोलो आर्टिस्ट के साथ साथ कई टेलीविजन ड्रामास में भी काम किया। जिसके बाद लास्ट ईयर जियोन ने अनाउंस करते हुए बताया कि वो बेसबॉल प्लेयर वांग जे ग्योंग को काफी टाइम से डेट कर रही हैं, और अब वो इस साल के एंड तक मैरिज करने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसके बाद कल इस ब्यूटीफुल कपल ने शादी कर ली। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि आयु और जियोन ने साथ में ही अपने करियर की शुरुआत की थी, इसलिए वो लास्ट 10 ईयर से एक दूसरे को जानती हैं और दोनों ही काफी क्लोज फ्रेंड हैं। इसलिए जियोन ने न सिर्फ आयु को इनवाइट किया, बल्कि उनसे हैप्पी सॉन्ग सिंग करने की रिक्वेस्ट की, जहां आयु ने ब्लूमिंग सॉन्ग पर परफॉर्मेंस देते हुए कहा कि जियोन ने उनसे कहा था कि वो अपने बिग डे पर रोना नहीं चाहती, इसलिए मैं उनके लिए कोई हैप्पी सॉन्ग सिंग करूं। साथ ही आयु ने उन्हें ढेर सारी विशेष भी दी। लेकिन इन सब के बीच सभी गेस्ट बीटीएस मेंबर जिन को देखकर सरप्राइज हुए, और हमेशा की ही तरह जिन हैंडसम दिख रहे थे, साथ ही उन्होंने जियोन को चीयर भी किया। बीटीएस मेंबर्स और जियोन की फ्रेंडशिप कोरियन वैरायटी शो से हुई थी, जहां उन्होंने साथ में कई बार स्टेज शेयर की थी। वेल, हम भी अपनी के ड्रामा दोस्त फैमिली की तरफ से इस ब्यूटीफुल कपल को बेस्ट विशेस देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।